अस्सलाम वालेकुम फार्मर्स, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। अच्छा, आज हम एक सेटअप कर रहे हैं। तकरीबन ये 3 महीने से बंद पड़ा हुआ था। बंद होने की वजह क्या थी? हम जो है, वजह सबसे बड़ी ये थी कि ये जो इन्वेस्टर थे, इन्होंने पंजाब वाले लोगों से यहाँ पर टैंक बनवाए और यहाँ फार्मिंग करना चाह रहे थे। काफ़ी इनके पास बड़ी जगह, खुली जगह है, लेकिन मसला ये आया कि पंजाब वाले बेशक बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं, बहुत अच्छी रिसर्च है उनकी, लेकिन फार्मर को वो एग्जीक्यूट करके नहीं दे सकते, सिस्टम को रन करके नहीं दे सकते। अब वो आए, उन्होंने सेटअप लगाया और करके चले गए, लेकिन 3 महीने से बंद पड़ा हुआ था। वजूहत ये थी कि जो साहब थे, ये कांटेक्ट करते थे कि भाई अब हम क्या करें, सीड कहाँ से लाएं, वाटर पैरामीटर कैसे सेट करें, पीएच, पीडीएस, अमोनिया, सबसे मेन चीज़ फ्लॉक कैसे क्रिएट करें, तो उन्हें काफ़ी मसले मसाइल आते थे। तो फ़ोन पे इतना अच्छा कोऑर्डिनेट नहीं हो पाता है बिल्कुल एक नए बंदे के लिए। अगर ये पुराने बंदे होते, ऑलरेडी कर रहे होते, तो फिर तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं था, लेकिन ये बिल्कुल न्यू थे। एक दिन ट्रेनिंग की इन्होंने, उसके बाद ये सेटअप लगा लिया और फिर उसके बाद बिल्कुल नाकाम थे। तो इन्होंने हमसे कॉन्टेक्ट किया, हमारी कंपनी है असमत फार्म, कराची में हम काम करते हैं और हम सेटअप भी लगाते हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं और प्रॉपर सिस्टम को एग्जीक्यूट करके देते हैं। सीड, फीड, वाटर पैरामीटर्स, ये सारी हमारी असमत की टीम जो है ये करके देती है। तो अब जब हम आए हैं, यहाँ पे काफ़ी चीज़ें डिस्टर्ब थी। यहाँ पे अगर आप एरिएशन का सिस्टम देखें तो वो काफ़ी डिस्टर्ब था, और अभी हमने ये सिस्टम को ओके किया है, एक टैंक को, इसके सारे एयर स्टोन हमने चेंज किए हैं और दोबारा से हमने इसके हेडर वगैरह बना के प्रॉपर एरिएशन सिस्टम किया है, क्योंकि बायोफ्लॉक में सबसे मेन चीज़ ही ऑक्सीजन है। अगर हम इसमें अच्छी ऑक्सीजन देंगे तभी फ़िश की ग्रोथ ले पाएंगे, अगर हम कम ऑक्सीजन देंगे तो जो है वो फ़िश की अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाती। और अक्सर जो सेटअप लोग लगा के देते हैं पंजाब वाले, तो उसमें ऑक्सीजन का इतना सफिशेंट सिस्टम नहीं होता। तो मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ कि 3 महीने जब इन्होंने यूज़ नहीं किया, जो जो नुकसान हुए वो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या मसले मसाइल आते हैं अगर आप सिस्टम को रन नहीं करेंगे। तो ये देखें, ये एयर स्टोन्स होते हैं जो पानी के अंदर छोटे छोटे मिनी बबल्स में एयर को कन्वर्ट करते हैं और पानी में ये एरिएशन का काम करते हैं। तो ये जब यूज़ नहीं करते हैं तो इस पर इस सब मिट्टी जम जाती है और ये सारे चौक हो जाते हैं। चौक होने की वजह से ये बिल्कुल काम नहीं करते और इनकी लाइफ ख़त्म हो जाती है और ये एक्सपायर हो जाते हैं। अगर हम इनको साफ भी करें, ब्रश भी मारें, लेकिन उस तरीके का ये रिज़ल्ट नहीं आ पाता। अगर यही सिस्टम ऑन होता, चल रहा होता, तो ये अभी भी चल रहे होते, ऑन होते। उसके अलावा जो सबसे जो मसला है, वो जो तारपोलिन है हमारी, आए मैं दिखाता हूँ। ये जो पीवीसी कोटेड टारपोलिन होती है, ये जो है मिट्टी इस पे जम गई, हार्मफुल बैक्टीरिया इस पे जम गए, कीड़े आ गए, मिट्टी जमा हो गई है, देखें जूता इस पे पड़ा हुआ है। तो ये फूड ग्रेड क्वालिटी की होती है, हम इसमें टारपोलिन इसलिए यूज़ करते हैं कि ये फूड ग्रेड क्वालिटी की होती है, इससे कोई हार्मफुल डिजीज़ नहीं क्रिएट होते। लेकिन अगर आप बंद रखेंगे तो ये इसकी कंडीशन होगी, हर जो है चीज़ें ख़राब होगी। अभी हमारी टीम लगी हुई है, इसको साफ कर दिए, इसका सिस्टम सारा सीधा कर दिए। हाँ, एक चीज़ और भी दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखें, ये सारी दोबारा से सफाई हो गई। और एक इन्होंने जो सबसे बड़ी गलती की है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या की है। ये जो ड्रेनेज सिस्टम होता है ना बायोफ्लॉक के अंदर, ये इस तरीके का नहीं होता सिस्टम। अगर हम ऐसे बनाएंगे तो हमें पानी नज़र ही नहीं आएगा कि अगर हम पानी ड्रेन कर रहे हैं और अंदर मछली तो नहीं निकल रही। मछली का साइज़ अक्सर छोटा होता है, तो हमें यहाँ पे जो है वो नेट लगाना पड़ता है। और उसके अलावा हमें वाटर क्वालिटी का भी यहीं से अंदाज़ा होता है कि जब हम पानी ड्रेन करते हैं तो कितना स्लज निकल रहा है। अगर हम इस पर ढक्कन लगा देंगे और वाल यहाँ से खोल के बंद करते रहेंगे, तो हमें पानी का आइडिया नहीं होगा कि हमारे टैंक में कितने पैमाने पे स्लज क्रिएट हो रहा है, उसके अगेंस्ट हमें क्या करना चाहिए। और थर्ड जो है सबसे बड़ा रीज़न क्या है जो नुकसान हुआ है, ये जब शेड वेल्डिंग हो रहा था उससे पहले ये टैंक बन चुके थे। अच्छा, जब टैंक बनते हैं और अगर उसके बाद शेड बनता है और वेल्डिंग जो होती है, जब वेल्डिंग वाले आते हैं, अगर वेल्डिंग के दाने इस पर गिरेंगे तो ये तारपोलिन भी ख़राब हो जाएगी। अब देखें यहाँ पे जो है ना, बड़े बड़े सुराख हो गए थे, ये आप देखें, तो ये भी हमने यहाँ पे पेंचर लगाए। तो
जब भी बायोफ्लो का टैंक का काम करें तो पहले शेड बनाएं, शेड लगाने के बाद ये टैंक्स का काम करवाएं, तो हमारी ये तारपोलीन सेफ रहेगी, ख़राब नहीं होगी। अच्छा, ये तारपोलीन वैसे भी बहुत अच्छी है, 8 साल इसकी मैन्युफैक्चरर जो है वो गारंटी देते हैं, इसकी लाइफ होती है। और प्लस ये कि प्योर पीवीसी दाने की बनी हुई होती है, फूड ग्रेड क्वालिटी की होती है, और इससे कोई हार्मफुल डिजीज़ नहीं निकलते। हम वैसे सिमेंटेड टैंक में भी कर सकते हैं, लेकिन सिमेंटेड टैंक ज़्यादा सफिशेंट नहीं होते, उनके रिपेयरिंग के खर्चे काफ़ी ज़्यादा हैं। इनकेस अगर वो लीक होता है तो पूरा पानी ड्रेन करना पड़ता है, मिस्त्री मजदूर आते हैं, तो एक वो लंबी हेडेक है। तो हम ये आसान सा हल बनाते हैं और इसमें वाटर क्वालिटी को, पानी के पैरामीटर को पूरा करते हैं, एरिएशन को सफिशेंट करते हैं और फिर फार्मिंग करते हैं। उसके अलावा हम जो है सेटअप भी लगा के देते हैं, इसकी बायोफ्लो की फुल ट्रेनिंग देते हैं। 2-3 किस्म की स्पीशीज़ हैं जिनके काफ़ी अच्छे रेट हैं मार्केट में, वो उनकी हम फार्मिंग करवाते हैं। तो तकरीबन हम हर तरीके से फार्मर को सपोर्ट करते हैं। हमारा ये काम नहीं है कि जस्ट टैंक लगाया और चले गए हम, तो हम कराची में हैं, हम प्रॉपर काम करते हैं। किसी को भी अगर सेटअप लगाना हो, ट्रेनिंग चाहिए हो या कंसल्टेंसी चाहिए हो तो हम हाज़िर हैं। और इसके अलावा और भी मज़ीद वीडियोज़ के साथ हम आपके साथ कॉन्टेक्ट में रहेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।